मेलबर्न दी खूबसूरत गलियां सर्द हवावां ने ते इस विच लगन वाला है चंगी शब्दावली का तड़का। वो इस करके लगे क्योंकि असी किसी को जा रहे हैं उन्होंने थोड़ा जा डिस्टर्ब कर लेने उन्होंने प्राइवेसी में थोड़ा दखल देने। मैम की हाल है? ठीक है जी। सत्ती जी ने साथ में हेलो जी मतलब तुम मेलबर्न भी सा पिछा नहीं छोड़ोगे? ना ना मैं बिल्कुल पिछे पिछे रहूँगा। मैं क्या कि सानू अजिहे सर्द मौसम में खूबसूरत मौसम में चंगी शब्दावली की लोड़ है। थैंक यू जी। सत श्री अकाल सारे ऑल द वे फ्रॉम मेलबर्न। और बड़ा अच्छा मौसम है, तुम देखो कितना वधिया एटमोसफेयर है इतों का। इतों के जड़ी शांति है कितने हॉर्न की आवाज़ नहीं कितने टू नहीं कितने टाह नहीं इंजॉय कर रहे हो कितना पीस इंजॉय कर रहे हो इतने बहुत अच्छा क्योंकि मैं पानी वैसे ही बहुत पसंद है। तुहाडी बॉडी दे विच इन्ने परसेंट वाटर होंदा तुसी वाटर दे कोल जदों जांदे हो तो वैसे ही तुहाडा ब्रेन जिहड़ा है वो एट पीस हो जाता। सो इस करके मैनू पानी बहुत अच्छा लगता। तो पानी नू वेख के कुछ छतरा भी ने जो तुहाडे ज़हन विच हमेशा आउंदियां ने? असी वगदे पानी दरियावां दे ओ मैं तो दरिया हूँ मुझे अपना हुनर मालूम है जिस तरफ भी जाऊँगा रास्ता हो जाएगा। यार अच्छा जे रास्ते की गल की है जे राह की तुसी जितना जिक्र किया कितने कितने जहन में शुरू तो ऐसी कि हाँ भाई मैं इस पासे ही जाना है कला दे पासे जाना है? नहीं इस तरह का कोई वेल डिसाइडेड नहीं सीगा क्योंकि मेरे फादर आर्मी च सीगे और मैंने पोइट्री का शौक बड़े बचपन तो सी लेकिन मैं कभी डिसाइड नहीं किया। मैंने ये लगता सीगा कि मैं शायद किधरे IAS करांगी या बड़ी वड्डी ऑफिसर होवांगी। मैं अपने आप हमेशा जज इमेजिन कर रही सी। हाँ जी हाँ जी इस करके भी क्योंकि मैं घर च भी सारे भैन भरावां दे उत्ते रोब ज़्यादा जा सो मैनू लगता सीगा कि मैं शायद एडमिनिस्ट्रेशन दे विच जावांगी सिविल सर्विसेज लेकिन जदों मैं पढ़ती सी आई वॉज वेरी मच इन टू पोइट्री सिंगिंग प्ले मैं बड़े करती सी कॉलेज लैवल दे उत्ते स्कूल लैवल दे उत्ते पोइटिकल रेसिटेशन। तो मैं लगता कि वो जिहड़ा गॉड गिफ्टेड टैलेंट सीगा ना उहदे नाल मैं लगता कि शायद किधरे मेरे मन दे विच ना वो चीज़ा ज़्यादा प्रभाव पाया। तो पहला अशार की जो गल करिए पहला शायरी किसी की सब तो पहले जो तुम स्टेज पर सुना कि आपने लिखी सी या किसी की पोइटिकल रेसिटेशन दे विच? नहीं वो मैं याद नहीं है बट मैं प्लस वन दे विच हाँ मैं काफ़ी अरसे तो जिदा 6-7 तो अपनी लिखती सी पोइट्री क्योंकि मेरे फादर साहब बाहर से असी हॉस्टल च रहे से दोनों सिस्टर्स तो वो मेरे किधरे मन दे विच सीगा कि सानू क्यों हॉस्टल च रखा गया तो वो मैं बड़ा दुखी जे होकर लिखती रहती अपने पेरेंट्स ली और कि मेरे पेरेंट्स आएंगे मैं इदा करांगी तो मुझे लगता वो किधरे ना किधरे जिहड़ी पेन सीगी उन्हें पोइट्री नू जन्म दिता। तो अजिहे दुख जदों इंसान गमगीन माहौल होंदा तो उन्हें गज़लां भी बड़ी याद आउंदियां ने गीत भी बड़े याद आते हैं अजिहा कोई उदों दा कोई गीत जिहड़ा अक्सर तुसीं सुणदे सी? मुझे मैनू बड़ा चंगा लगता हुंदा सी दिल के अरमां आंसुओं में बह के परिभाषा नहीं आती कि तुसी इनू रोमांस नाल करना ओनू कोई भी दुखदाई चीज है ओनू अपने नाल ज्यादा लगती है एसोसिएट मैं बड़ा एसोसिएट करती हुंदी सी अपने नाल ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗੁੰਗੁਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਗੁਨਾ ਸਕੋ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ ਸਿਡਨੀ। ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਸਿਡਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਓਪਨ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੋੜੀਆਂ ਏ ਤੋੜੀਆਂ ਏ ਹੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ए यादा कदे किसे नू वी मोड़ियां नहीं जांदियां ए यादा कदे किसे नू वी मोड़ियां नहीं जांदियां। सिडनी शूट कीता सी मैं। बिल्कुल यादां दा ज़खीरा जिहड़ा है हमेशा इंसान दे दिल विच रहिंदा है। ते इत्थों जदों तुसीं 2009 आए सी उहदियां उदों दियां कोई मिठियां मिठियां यादां जिहड़ियां हमेशा तुहाडे तुहानूं याद आउंदियां रहिंदियां ने?
ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਨੇਚਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਡਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਲਬਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਲਬਰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੇਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਫੀਲ ਗੁੱਡ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੀਡਬੈਕ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੇਗੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸ਼ਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਥਰਡ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ ਰੂਬਰੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਤਾਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਸੀ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੀਰ ਸੀ। ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਹੀ ਗਰਾਂ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੱਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਵਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਹੁਣ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਂਟੀ, ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਫੇਵਰੇਟ, ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਰਮ ਜੇ ਆਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਪੂਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਂਟੀ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਇਓ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਬਟ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਾਸੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਈ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਚਾਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਖਾਨ ਫੱਤਾ, ਹੋਠੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਟਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਤਰੇ ਚਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਟਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ, ਉਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ,
उन्होंने मैं वकीलों को पढ़ाने वाली टीचर बनाया है, मास्टर्स करवाई है। और दूजी गल मैं यूनिवर्सिटी ने सिखाया बहुत कुछ है। वो स्टेज जो असं प्लस टू जाते ना परफॉर्म कर निखिल जी, तो मैं तुम्हें दसदी सी जो मैं स्टेज देखती सी ना मैं लगता सी दुनिया की यह सब तो खूबसूरत स्टेज है। तो जो उत्ते कंपेयर कोई भी बोलते मैं लगता सी ए दुनिया के सब तो चंगे लोग ने। तो मैं अपने मन च इमेजिन करती होंगी सी कि एक दिन इस स्टेज पर मैं बोलूँगी। तो वो दिन आया जो मैं 2-3-4 साल उत्थे परफॉर्म किया एज एन एंकर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्ट्रेस। उस स्टेज ने मैं दुनिया दी तमाम स्टेजा दिखाई, मतलब दुनिया की शायद ही कोई यही स्टेज होएगी किसी भी मुल्क की जितने मैं परफॉर्म नहीं किया। पर वो स्टेज अज भी मैं पिछे साड़ी एक सारिया की हाँ जी एलुमनाई मीटिंग सी, तो मैं काफ़ी साल बाद दूसरी तीसरी सी मैं जाके आई। मैं इन्ना चंगा लगा अपने क्लासमेट्स और उन्होंने सारे च एक क्रेज सगा क्योंकि मैं सारे पर्सनली फोन करके कहा भी मैं आवाँगी। तो जरा इदा लगता से दोबारा ही तुम क्लास बैठे हुए हो। मैं यह गल साड़ी कॉमन है क्योंकि मैंने भी उस स्टेज पर यूथ फेस्टिवल में डी ए वी कॉलेज अमृतसर वालों पार्टीसपेट करने का मौका मिला। मैं जो गल कर रहे थे तो मेरे कन्ना चो आवाज़ गूंज रही थी, मेरा पहला सदा मेरा दूजा सदा गल का असर ही वक्रा सीगा। मतलब तुम जो मर्जी परफॉर्म करते हो प्रोफेसनल हो जाते हो, पर जो चा होंगे नवा नवा उस स्टेज के उत्ते वाह कमा। तो स्टेज के पिछे का कोई वाकया तो याद है जो एकदम कई बार बंदा ब्लैंक हो जाता है वो दिमाग जाता है यार मैं बोलना नहीं चाहता, प्रिपेयर भी किया पर एकदम ब्लैंक हो गया। बहुत बार होया स्टेज के उत्ते, कई बार बहुत ठंड, लास्ट ईयर इस बार तो कबड्डी मैच हुए नहीं लेकिन लास्ट ईयर जो कबड्डी मैच हुए थे तो पिंड बादल चे, तो वो इन्नी ज़्यादा क्योंकि दिसंबर च और पिंड नवंबर च हाँ जी वो इन्नी ज़्यादा ठंड सी। मैं याद है कि इन्नी ज़्यादा ठंड सी मैं लगता माइनस टैंपरेचर होना, मतलब उत्थे खड़े होना मुश्किल से। तो मेरे हाथ जड़े ने नीले हो गए थे, तो माइक नहीं सी फड़ रहे। उत्थे मेरे हेयर ड्रेसर्स ने 2 माइक लगा के क्योंकि मैं आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड द माइक, इन्नी ज़्यादा ठंड सी आकड़ गए सी हाथ। तो वो उन्होंने हेयर ड्रेसर ने वो लगा के ड्रायर मेरे हाथों नू गर्म किया, उस तो बाद मैं माइक फड़ सकी। सो मैनू बड़ा मतलब एक अच्छे तजर्बे ने, उसके बावजूद भी तुहाडे च पैशन हुंदा कि तुसी कपड़े चेंज करने ने इन्नी ठंड च, ड्रेस चेंज करनी है, तुसी लोगों के जाना चाहते हो, तुसी यू वॉन्ट टू वी वॉक लाइक क्वीन, तुसी चाहते हो कि बाबा जी ने तुहानू इस काम लई भेजा तो तुसी उहदे च होर बैटर होर निखरो। सो मैं इस नू इदां ही मानदी हाँ कि जिवें कला जिहड़ी है वह तुहानू परमात्मा ने तुहानू उस काम लई चुनिया। यू आर द मीडिएटर बिटवीन द ऑडियंस एंड द गॉड। सो मैं वो मीडियम नू उस मीडिएशन नू कंप्लीशन दी रूप च करन दी कोशिश करदी। कलाकार अपने आप नू किन्ना निखारदा है, उस विच ए जिहड़ा जज्बा है पैशन जिहड़ा है वो किस तरह आंदा है, किन्नी वो तब्दीली अपने आप विच लैके आंदा है। सतिंदर सत्ती जी नाल इस बारे भी गल करांगे एक छोटे जे वक्फे तों बाद। मैं जो स्टेज पर जाती हाँ तो असं अरदास करके जाईदी है कि भी देखो सोहना भी तू आप ही लगना है मालका, तो बोलना भी तू आप ही है, दाद भी तेरी है। असी जाके मत्था टेक दी दा ते उहदे हवाले कर दी दी है, शक्लो सूरत तो लैके दिमाग तो लैके जुबान तक उहदी मर्जी है, वो इज्जत भी बख सकदा, बेइज्जती भी बख सकदा। असी इत्थे सैर सपाटे दे मूड ते आ ते मेलबर्न दीआं गलियां नूं छानण दी कोशिश कर रहे। साडे नाल सतिंदर सत्ती जी, ठंड लग रही है? ठंड वैसे बहुत है। एक गल दस्सां, तुहानूं थोड़ी देर च कॉफी पियावांगे। बनदी है कॉफी ते वैसे, इन्नी ठंड है ना, 50 डिग्री तों असी 10 डिग्री च आए हाँ। मैनू लगता प्रोग्राम का नाम भी इस तरह 50 तो 10 डिग्री। देखिए देखिए देखिए। अच्छा सती जी, जिमें पैशन की जिक्र तुम्हें किया, जो पैशन एक कुदरती जो हों आर्टिस्ट को अपने लेवल से अपने तौर पर कि कुछ होमवर्क करना पैंता, कि बदलाव अपने लिया पैदा ताकि लोगों के मूहे वो प्रजेंटेबल हो सके वधिया तरीके। देखो मैं हमेशा कहनी हूँ कि जो तुम वक्त तो अगे नहीं चल सकते तो वक्त तो पिछे भी नहीं चल सकते, तुहानू वक्त दे हाणी होके चलना पैंदा। क्योंकि जे तुसी जिहड़े लोग वक्त दे नाल नहीं चलते फिर वक्त भी उन्हां दे नाल नहीं चलता। ये नहीं है कि तुसी अडैप्टेशन ना होवे, अज तो अगर असी 15-20 साल पहलां दी गल करिए ते गूगल नाम की कोई चीज़ नहीं सी, इंटरनेट का पता ही नहीं सी, रस्ते GPS नहीं सी। असी पुछीदा प्रोग्राम करन जाईदा सी ना 13-14 साल पहलां दी गल है, पुछीदा सी भाजी ये रस्ता इधर जांदा है, अज किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं। पर जे असी ये सोचिए कि असी सीखना ही नहीं है तो फिर तुसी नहीं चल सकते जमाने दे नाल। तुहानूं कंप्यूटर दे प्रति, तुहानूं अपनी हर चीज़ दे प्रति अपडेट रहना बड़ा जरूरी है।
और मैनू लगता कि आर्टिस्ट लिए चीज़ बेहद जरूरी है क्योंकि लोग आर्टिस्ट को नवे फैशन दी नवियां अपडेट्स दी नवे तरह दी साउंड नवे तरह दे म्यूजिक नवे तरह दे काम दी डिमांड करते हैं और उदी पर्सनल ग्रोथ बड़ी जरूरी है पर तुहानू अपनी जड़ां नहीं भुलनिया चाहिए पर जड़ां दे नाल नाल तुसी अपने काम नू उस पहचान नू नवे टाइप नाल किदा फ्यूज्ड कर दे हो कि वो चीज़ जिहड़ी अज दी जनरेशन नू भी चंगी लगे ये चैलेंज है तो अजकल एक फैशन का जिमें जिक्र किया एक नवा ट्रेंड जोड़ा है वो चलिया है कि मोबाइल कटिया तो फेसबुक से असी लाइव सैल्फी का भी तो ना ही फेसबुक से लाइव जाता तो वह तुम शुरू तो मतलब इन्ना कंफर्टेबल सी कि अपने आप नूं अडैप्ट करना या व्हाट्सएप से उन्होंने यूज़ करने की आदत पाना मैं टेक्नोलॉजीज बहुत गैजेट्स मैं बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं सी लेकिन मैं सीखा अपने आप में मैंने बहुत औखा लगता सीगा फेसबुक अपडेट करना मैं पहला किसी को कहती थी मेरी अपडेट कर दो ट्विटर इंस्टाग्राम और लेकिन मैं हौली हौली सीखा और मैं लगा कि लोग बहुत लाइक करते हैं मैं लाइव तीन चार ही किए ने हुण तक लेकिन जदों भी किए ने इन्ना जबरदस्त रिस्पोंस आया लोगों का फिर मैं लगा कि लोग चाहते ने हर बंदा टीवी नहीं देख सकता अजकल समा जड़ा वो बदल गया है लोगों को टाइम नहीं है लोग हर चीज़ हाथ चाहते हैं कि मोबाइल के उत्ते चीज़ हो तुसी लाइव होंगे हो तो हज़ारा दुनिया मिनटा सैकेंडा च देख लेंदी है जोड़ा बंदा तो नहीं भी जानता जोड़ा फोन करेगा वो भी उत्थे कॉमेंट्स पा रहा होगा कदों आ गए जी मेलबर्न मेलबर्न के 50 लोग तो मिल जाते हैं जोड़े शाम तक होटल के मोहरे होंगे ने कि वह साढ़े शहर की कुड़ी आई है सो जमाना बड़ा चेंज हो गया और बदलते जमाने के नाल बदलना भी चाहिए पर मैंने याद है धर्म भाजी नाल असीं एक बारी गल कर रहे थे उन्होंने कहा कि यार जो यह जिहड़ा सिलसिला अजकल शुरू हो गया प्रमोशन का तो फेसबुक से जाता तो ये वो तो मैं बड़ा अजीब जहा लगता है कि आपे बोले आप करे हूँ तो अपनी गल करना कई बार बंदा यह भी कहता कि यार मेरे को गल करा बार बार या किस बारे बार बार दसा देखो हर चीज़ को सोचने के दो नज़रिए ने दो पक्ष ने किसी को गिलास खाली लगता तो किसी को गिलास भरिया हुआ लगता जे अद्धा गिलास है तो वो तुहाडी चॉइस है लेकिन इंटरैक्शन या कलाकार नूं मैनूं लगता कि जरूरी अपने दर्शकों के बहुत लागे रहे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑलवेज बैड अति हर चीज़ की माड़ी होंगी पर तुसी हाँ एक शुगर ली या एक लोगों नाल इंटरैक्शन ली अगर तुसी उन्हों अपनी जॉब समझ के कर दे तो उहदे च कोई माड़ी गल भी नहीं देखो साहब हाथ वड्याईया जिस भावे तस्ते जो उसने तुहानू ये इज्जत मान बख्शा होया कि तुहानू 100 लोग सुनते हैं या वेखते ने तुहाडे गाणियां नू या तुहाडे कम्मां नू पसंद करते हैं ता ही और तुहाडी जिम्मेवारी बनती है कि मालक ने तुहानू लोगों को खुश करने वास्ते एंटरटेनमेंट वास्ते भेजा है तुहानू अपनी जुबान की प्रमोशन वास्ते भेजा है किसी होर नू भी चुन सकता सी सो मैं तेनू इस तरह लेनी हाँ कि जिस जिवें जिवें हुक्म तिवे तिवकार मालक ने हुण ये ड्यूटी लाई है तो वह भी करनी चाहिए तो जिवें तुसी कोशिश रहिंदी कि नवी नवी गल कोई की जाए या नवा कोई अशार पढ़िया जाए कोई शेयर पढ़िया जाए पर जिदे ते एक्सपेक्टेशन बड़ी होवेगी इहदे ते दात ते मिलनी मिलनी इहदे ते तालियां बजदियां ने हिट शेयर हां हिट शेयर पर जिदे ते उन्नी दात ना मिली होवे नहीं इदा वैसे कदी होया नहीं बाबा जी दी बड़ी कृपा रही है कि उन्हें मैं जो स्टेज पर जानी हाँ तो असी अरदास करके जाइए है कि भी देखो सोना भी तू आप ही लगना है मालका तो बोलना भी तू आप ही है दाद भी तेरी है असी जाके मत्था टेक दी दा तो वो हवाले कर दी दी है शक्लो सूरत तो लैके दिमाग तो लैके जुबान तक वो मर्जी है वो इज्जत भी बख सकता वो बेइज्जती भी बख सकता जे उसने उसने इज्जत बख्शनी है तो ये भी वो मर्जी है मैं हमेशा मैं उसकी रजा च बहुत रहनी हाँ मैं लगता कि मैं ये सब चीज़ा एक्सपैक्ट ही नहीं कीतियाँ मेहनत भी तो इंसान उदों ही कर सकता ना जो मेहनत कराना चाहे जो तुहानू हिम्मत ही ना दे तुहानू आलसी बना दे तुसी हिम्मत किद्दां करोगे उधरों आस्ट्रेलिया का वीज़ा बंदा करे छड्ड परा कौन 18 घंटे 17 घंटे की फ्लाइट से जो उद्दम ना दे तो वह भी तो मैं मानती है ना कि एक मेरा बड़ा अच्छा शेर है कि रख हौसला कर फतेह दुनिया दुख सुख ते ताणा बाणा ने जो डिगदे ने वो ढह जाते चल समय नाल कि तेरे नाल जमाना है अजे ना डर लोगों दी गल्लां चो अजे तां तू इतिहास बनाउणा है सो मैं मानती हाँ कि जिन्हों जे लोग दुनिया से कुछ करने लिए आते हैं मालक उन्होंने ताकत भी बख्शता चलो इस तरह ताकत भी बरकरार रहे तो जिमें तुसे कहा कि तेरी मर्जी तेरी हाँ। मर्जी तेरी मर्जी तो किसका जोर चलता है बहुत बहुत शुक्रिया तो इस तरह तुम सेहतयाब रहो तो सानू इस तरह एंटरटेन करते रहो कभी मौका फिर मिले इस देश या किसी होर देश साड़ी गल्लां दा सिलसिला चलता रहेगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी थैंक यू